हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो जिस दिन है बृहस्पतिवार का तारीख है 28 जुलाई, और जो है दोपहर के बज गए हैं 1:30। और यहाँ पर मैंने जो कुछ कपड़े मंगाए थे वो ही मैं चेक कर रही थी कैसे हैं, और उसके बाद इनकी तय बना के रख दी। ये सारे के सारे नाइट सूट हैं जो मैंने मंगवाए थे, और इनको मैंने ट्राई करके देखा था फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है और कपड़ा कैसा कुछ है। ये 4-5 जोड़ी मैंने मंगवाए हैं, तो बस हर एक चीज़ का ना कपड़ा बहुत अच्छा था पहन कर। मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी आने वाली वीडियोज़ में, और अब उनकी तय बना के मैं रख देती हूँ। और फिर जो है हमें जो है किसी काम के लिए बाहर भी जाना है, और सारे के सारे काम आप लोगों को बताया घर के जितने भी होते हैं वो सारे काम मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना के बराबर जो है वो टाइम होता है, बिल्कुल ये मान के चलिए 99% जो है सारे काम मैं ही करती हूँ। जिस दिन बहुत मुश्किल से महीने 2 महीने में, कभी या हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में कभी ऐसा होता है कि वो हाथ लगते हैं, देन उसके जाके मैं ये बोलती हूँ कि हमारा ये हेल्प भी कर दो, वो हेल्प भी कर दो। तो सारे जो है घर की एक्टिविटीज़ हैं या बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, घर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज सारे मैं ही करती हूँ मैं। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, मैंने कल भी बताया था आपको हमें बाहर जाना है, तो कमेंट मुझे आया था कि आप बेड के लिए बेड देखने जा रहे हैं क्या, बेड लेने जा रहे हैं क्या, तो आपने बिल्कुल सही गेस किया था। तो हम जा रहे थे देखने हमारा बेड जो है कंप्लीट हो क्यों नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, तो उसमें अभी थोड़ा बहुत काम बाकी था और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड हमने करवाई हैं डबल बेड में, और साथ साथ में हमने एक सिंगल बेड और बनने के लिए दे दिया है। तो दोनों चीज़ें अब जो है वो 10 दिन का टाइम जो है उन्होंने बोला कि 10 दिन लगेंगे, क्योंकि डबल बेड में भी जो हमने पहले डिज़ाइन दिया था ना उसमें पहले बहुत ही सिंपल था, लेकिन अभी उसमें जो है थोड़ी सी चीज़ें हमने और ऐड करवाई हैं, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा उसको, साथ में एक सिंगल बेड और तैयार होगा। तो एक देखो बेड पे आप बाहर किसी शोरूम में आप अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पर बनी बनाई चीज़ें बहुत कुछ मिल जाती हैं, लेकिन जब अपने हाथों से बनवाते हैं तो उसमें काफ़ी मजबूती आ जाती है। तो जी अब आ गए हैं घर वापस, और मैं ज़बरदस्त वाली जो वो थक गई थी, डॉक्टर्स के पास भी जाना हुआ था शाम को, आपको पता है थेरेपिस्ट के पास मैं जाती हूँ, और घूम घूम के इतना परेशान हो जाती हूँ, इतने काम होते हैं ना, थकावट हो जाती है, और ख़ासकर जब पीरियड्स डेज होते हैं ना उस टाइम पर तो आप पूछो ही मत, ज़बरदस्त दिमाग ख़राब हो जाता है। और नॉर्मल डेज़ में इवन काम तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उन दिनों में तो जो है आप सब मान के चलिए कि एक काम नहीं कर सकती मैं, मतलब फिर भी मजबूरी में कुछ ना कुछ हम औरतों को जो है वो करना ही पड़ता है, अपना बच्चों का इतना तो कर सकते हैं, चाहे हम जो मान लो झाड़ू पोछा वगैरह छोड़ गए, लेकिन बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें, बर्तन साफ़ करना, ये सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ती हैं। जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप लोगों के साथ एक नया चीज़ जो है वो शेयर करना चाहूँगी, एक नया कॉन्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं आप लोगों को एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहती हूँ। वो क्या होता है कि जब हम हमारे नॉर्मल डेज चल रहे होते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है हम घर के हो या बाहर के हो, बच्चों के काम हो, जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, होम एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, सारे काम भाग दौड़ के बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब वही सिचुएशन पीरियड्स डेज में हम फेस करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक वाली जो है वो सिचुएशन हो जाती है, ना कोई काम करने का मन करता है, और काम मतलब बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ तो आप भूल ही जाओ, कोई भी नहीं कर सकता। जो स्कूल जाता है उसको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, जो ऑफिस जाता है उसको ऑफिस से लीव लेना पड़ता है, और जो गर्ल्स को जो है जो कॉलेज जाता है उसको कॉलेज से जो है वो लीव लेना पड़ता है। किचन में जाकर जो है काम करना है तो आप भूल ही जाओ, इवन एक कप चाय ही होता है कि कोई बेड पे लेटे लेटे हमें एक कप चाय ही जो है वो दे दे। हम बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, हॉट वाटर बॉटल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, चाहे वो मेडिसिन है या हॉट वाटर बॉटल है, उनका इफ़ेक्ट जो है वो कुछ देर के लिए होता है, देन वापस जो है हमें दर्द शुरू हो जाती है। ये सारी सिचुएशन जो है पीरियड्स की वजह से नहीं होती, ये सारी सिचुएशन पीरियड्स में होने वाले पेन की वजह से होता है। जो पेन जो है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को लोअर बैक में दर्द होता है, किसी को थाइस में दर्द होता है, किसी को लेग्स में दर्द होता है, सबको ना अलग अलग जो है वो दर्द होना जो है वो होता है। इस तरह की सिचुएशन का जो है सॉल्यूशन आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। बहुत टाइम से मैं ये सॉल्यूशन ढूंढ रही थी और मुझे मिला है इसका सॉल्यूशन एवरटीन से। एवरटीन जो है ये है एवरटीन का मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रोल ऑन, जिसको लगाने से आपको जो है विद इन फ्यू मिनट्स जहाँ जहाँ भी आपको दर्द हो रहा होता है, चाहे थाइस पे है, लोअर बैक पे है, लेग्स में है, पेट में है, जहाँ भी जो है वो आपको दर्द हो रहा था वहाँ आपको जो है अप्लाई करना होता है। ये कुछ इस तरह की छोटी सी बॉटल में जो है वो आता है, बहुत ही हैंडी है, कंफर्टेबल है,
आपको ना जहाँ भी पेन हो रहा है उसको यहाँ पर जो है इस तरह जो है अप्लाई करना है पेन पे कुछ देर के लिए, देन कुछ ही मिनटों में आपको जो रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर है आलमंड ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, रोजमेरी ऑयल और बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स जो है का मिक्सचर है ये एवरटीन का क्रैम्स रोल ऑल, और इसको अप्लाई करें और विद इन फ्यू मिनट्स जो है आपको आपके पेन से जो रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, एक बेनिफिट वाली बात क्या, एक फ़ायदे वाली बात क्या होती है, ये इतना हैंडी है, ये आप देख सकते हो कि कितना हैंडी है, ये बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, इसको आप जो है इजी टू कैरी कर सकते हैं, मतलब अपने पर्स में, अपनी जींस की पॉकेट में, कहीं भी आप जो है आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। आप कहीं भी जाते हैं, चाहे आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, या आप कहीं जो है थिएटर में जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, या किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, या किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप इस पीरियड्स के जो सिचुएशन में आप बाहर जा रहे हैं ना, और आपको वहाँ जाकर जो है दर्द जो है शुरू हो जाता है वापस फिर से, तो क्या करना है, बस आपको रेस्ट रूम में जाना है या वॉशरूम में जाना है, अपने जो है बैग से इसको निकालना है, और जहाँ भी आपको जो पेन होना स्टार्ट हुआ है, चाहे वो कोई भी एरिया है आपकी बॉडी का, वहाँ पर जो आपको अप्लाई जो है वो करना है इसको, और विद इन फ्यू मिनट्स जो है आपको रिलीफ जो है इससे मिल जाएगा। सारे लिंक्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ईच एंड एवरी लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाता है। सो गर्ल्स एंड लेडीज़ तैयार हो जाइए कि एवरटीन का मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रोल ऑन खरीदने के लिए, और अपने दर्द से निजात पाने के लिए, अपने दर्द का एक सॉल्यूशन जो मैं आपको दे रही हूँ उससे दर्द से जो है निजात पाने के लिए जो है तैयार हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ट्राई करिए एवरटीन का मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रोल ऑन, बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोडक्ट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जी, अभी जो है वो मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट मॉर्निंग में, और रात को ऐसा हुआ था कि फटाफट से मैंने खाना बनाया, दिन में तो हिमांग ठीक था, लेकिन शाम होते होते जब मैं डॉक्टर के पास थी ना, तब भी जो हिमांग को वापस बुखार हो गया था, और हिमांग को रात को भी बुखार था, उसके साथ साथ शाम होते होते वरुण को भी बुखार हो गया, और जब मैं सोकर उठी ना जब सुबह 5 बजे, तो मेरे से भी नहीं उठा जा रहा था, मैं ठीक ठाक सोई थी ना, गले में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बुखार हो गया था। मेडिसिन अभी जब मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, दवाइयाँ मैंने ले ली थी, वरुण को भी दवाइयाँ दे दी थी, मंगवा ली थी मैंने दवाइयाँ, और ये कल सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए थे ना, तो ये सब्ज़ियाँ मैंने जो है ऐसे ही छोड़ दी, मैं नहीं इनको जो है ना तो मैं धुल पाई, ना ही जो है इनको थैली से जो है मैं अलग कर पाई, लेकिन शुक्र है कि सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं हुई, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा गर्मी वाला नहीं है ना, तो सब्ज़ियाँ बिल्कुल ठीक थी। ये कुछ एप्पल लेकर आई थी, टमाटर वगैरह, अब टमाटर थोड़े से जो वो सस्ते हो गए, तो मैंने 2 किलो ले लिए एक साथ ही, बार बार जो है, क्योंकि टमाटर प्याज एक ऐसी चीज़ होती है ना, बार बार बहुत ज़्यादा लगते हैं, और फिर उसको बार बार ख़रीदना पड़ता है, तो ये मैंने 2 किलो जो है टमाटर फिर ले लिए। और यहाँ पर सुबह हस्बैंड का जो है वो लंच बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, ये 5 बजे उठने के बाद चाय वगैरह पी हम दोनों ने, और उसके बाद मैं फिर से वापस सो गई, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने दवाई वगैरह मंगाई है, मुश्किल से मैं उठी, मैं 6 बजे उठी, फिर मैंने फटाफट जो है ये सब्ज़ियाँ वगैरह अलग की हैं, वॉश तो अब भी मैंने नहीं की हैं, वॉश मैं बाद में करूँगी, लंच वगैरह बनाने के बाद अगर हिम्मत बची तो, क्योंकि हाथ पैरों में भी बहुत तेज़ मेरे को जो बुखार है ना, वो हड्डियों में जो दर्द होता है ना, वो वाला बुखार जो है वो हो गया है। तो अभी जो है यहाँ पर ये गोभी लेकर आई थी ना कल, तो गोभी के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दूँगी मैं पानी, और आलू में भी पानी डाल दूँगी, ताकि आलू जो है काटते टाइम ब्लैक ना पड़े, और इसमें जो है वो थोड़ा सा जो है गोभी में उबालते टाइम इसमें नमक डाल दूँगी, क्या होगा ना कि फिर जो अगर मान लो थोड़ा बहुत, क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, अगर थोड़ा बहुत कीड़े वगैरह भी होंगे ना, तो वो जो है ऊपर निकल आएंगे, लेकिन शुक्र है उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह छोटा मोटा कुछ भी नहीं था। और मैंने रात को बर्तन भी साफ़ नहीं किए, क्योंकि लास्ट आज तीसरा दिन निकल आया, कि पहले दिन तो सिर्फ हिमांग की तबीयत ख़राब थी, दिन में हिमांग ठीक था, शाम को फिर से ख़राब हो गई, फिर शाम होते होते वरुण की तबीयत ख़राब हो गई, वरुण आज भी स्कूल नहीं गया, और सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो बस अभी यहाँ तड़का लगाने के साथ साथ मैं तैयारी कर लेती हूँ, और जब ऐसा होता ना कि मैं जैसे लेट हो गई हूँ, तो मैं यही ट्रिक जो है वो मैं अपनाती हूँ,
और साथ साथ में काम करती रहती हूँ। मान लो तड़का हो रहा है ना, गरम हो रहा है, तेल गरम होगा तब तक प्याज हमारे हो जाएंगे, और प्याज जैसे ही तड़के में रेडी होंगे तब तक जो है मैं मिक्सी में जो है ये सारी चीज़ें पीस लूँगी, टमाटर जैसे है और हरी मिर्च ये पीस लूँगी। अच्छा, कमेंट आया था कि दी आपके यहाँ पे लहसुन नहीं यूज़ करते हैं क्या? डेयर लहसुन तो मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, पहले हम खाते थे लेकिन बीच में मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसे हुई कि अदरक और लहसुन, लाल मिर्च ये सारी चीज़ें हमने बंद कर दी थी, तो बीच में थोड़ा बहुत खाना शुरू किया, लेकिन अभी जब बंद कर दिया ना तो एक अजीब सी जो है वो स्मेल अपने आप में महसूस होती है लहसुन की जो होती है ना वो। और लहसुन जो है मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं जब वो चटनी वगैरह बनाते हैं ना, या किचन का चार्ज उनके हाथ में होता है, उनका मन होता है कि आज लो मैं सब्ज़ी बना दूँ, तो उस दिन जो है लहसुन जो है सब्ज़ी में डलता है, अदरवाइज़ हम नहीं डालते हैं, और बच्चे भी नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। बहुत ही सादा खाना जो हम खाते हैं, और अभी तो ये जो मौसम चेंज हो रहा है बार बार में, जैसे बारिश भी अच्छे से नहीं हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि 10 मिनट होगी, 5 मिनट होगी बारिश, उसके बाद वही गर्मी वाला मौसम, तो ये मौसम जो चेंज हुआ है ना उसकी वजह से हर किसी का ना गला पकड़ा जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, गले से दिक्कत शुरू हो रही है, डायरेक्ट बुखार होके गले में दिक्कत बन रही है, तो ये वाली सिचुएशन जो हो रही है। अभी जब तक जो है तड़का रेडी होगा ना तब तक ये बर्तन भी लगा दिए हैं, और इवान के पापा तब तक हो जाएंगे रेडी। बीच बीच में क्या था कि शरीर इतना काम नहीं कर रहा था, तो मैंने जो बीच बीच में थोड़ा आराम भी किया, फिर जो है 7:30 बजे माँ के पापा को जाना था, मेरे को ये था 6 बजे में लगी हूँ, तो एटलीस्ट 1.5 घंटे में तो धीरे धीरे करके सब्ज़ी रोटी जो है वो बनकर रेडी हो ही जाएगी। और उसके बाद फिर जैसे दवाइयाँ आ गई थी तो अभी बच्चों को भी दवाई दे दी है, मैंने भी दवाई ले ली है, और उसके बाद देखेंगे कि आराम होने के बाद घर के बाकी के काम करूँगी, बर्तन वगैरह, क्योंकि बर्तन का ढेर लग गया है। और जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि बेसिक नेसेसिटी के काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे लंच वगैरह बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, बर्तन वगैरह साफ करना, तो इसीलिए जो है अब मैं सच में, अगर मैं सच बताऊं तो अब मैं सोच भी रही हूं कि मैं बहुत जल्द एक हाउस हेल्पर मैं ढूंढ लूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो है मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी, और क्योंकि मेरे जी को काम बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे 24 घंटे भी बहुत ही कम लगते हैं सच बताऊं तो। मैं सोच रही हूं, आज इमान के पापा भी आज गुस्सा कर रहे थे कि नहीं अपने लिए एक हेल्पर रख लो, तो मैं ढूंढूंगी आज। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम लोग कभी कभी हेल्प रखने वालों में से जब ज़रूरत होती है, अदरवाइज रखते नहीं हैं, परमानेंट तो बिल्कुल नहीं रखते हैं, तो जो हेल्पर पहले जिसके घर में जा रही है वो उसके और उसके टाइम को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और मुझे सुबह की चाहिए हेल्पर जो काम करते हैं ना वो सुबह करके जाए ना, सुबह मान लो 8, 8:30 बजे तक, मैक्सिमम 8:30 बजे तक आ जाए, मुझे ऐसी हेल्पर चाहिए, लेकिन ऐसी हेल्पर जो है वो मिल नहीं रही है। तो अभी मैं ना एक दो को मैं भी बोलूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि हेल्पर मेरे को मिल जाए, और बस यहाँ लंच बॉक्स में पैक कर दूँगी और व्लॉग एंड करूँगी यहीं पे। सब्ज़ी रोटी हो गया, कुछ मिठाई आई हुई है घर पे, तो मिठाई पैक कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।